वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकूश कृपा सिंधुवश पति पावुने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरण धैयम् सदा परिभवन्नम् अभीष्टदुःखम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतातिहं पनुतपालपसुं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा किमहं करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशांबरु द्विजवरु जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितोद्दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवाम भागम् नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं बागीशजस्वदने लक्ष्मीर
यक्षसि यस्यास्ति हृदय संभी त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जावत् लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययोः क्लेशो माया जोगानुवर्तते। जावत् लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययोः क्लेशो माया जोगानुवर्तते। माया जोगो अनुवर्तते। जावत् लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययोः क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जो व्यक्ति भोगी होने का भोगी एंजॉय करने का कोई प्रचेष्टा में नहीं लगे रहते हैं, जिसका अंदर में भोग करने का कोई वासना नहीं है और तमाम इंद्रियों के द्वारा केवल ऋषिकेश सेवा में व्यस्त रहते हैं, जिसका अंदर में भोगी होने का कोई वासना नहीं है, इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करने का कोई वासना नहीं है, बल्कि गुरुवात गुरुवान गुरु अनुगत में गुरु अनुगत में सतत हर वक्त भगवत सेवा ऋषिकेश का सेवा में लगे रहते हैं, वो वास्तव शिष्य है। जगत में जो चीज़ दिखाई पड़ता है, जो चीज दिखाई नहीं पड़ता है, तमाम चीज़ भगवान का सेवा का उपकरण है, आइटम्स। जगत का जो चीज़ दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है फर्क नहीं पड़ता, तमाम चीज़ भगवान का सेवा का वस्तु है, उपकरण है, आइटम है। हर वस्तु भगवान का सेवा का वस्तु, हर व्यक्ति भगवान का सेवक है, सेविका है। गुरु सेवा को उपकरण, तमाम गुरु सेवा का उपकरण है, भगवत सेवा का उपकरण है। भगवत सेवा का उपकरण में कभी भोग बुद्धि उचित नहीं है। भगवत सेवा गुरु सेवा का उपकरण में वस्तु में अपना भोग बुद्धि होने से कभी मंगल नहीं हो पाता। प्रत्येक वस्तु में गुरु दर्शन करना वास्तव शिष्यों का काम है। वो अपने को लघु समझता है जरूर, लेकिन असली बात तो ये है वो अपने को दैन्य के खातिर अपने को लघु समझते हैं, लेकिन हर वस्तु को गुरु दर्शन करते हैं, इसीलिए वो लघु दर्शन उसका नहीं है। अपने को लघु मानता है लेकिन वो गुरु है। गुरु सेवा में भोग बुद्धि होने से कभी मंगल नहीं होता। प्रत्येक वस्तु में गुरु दर्शन, इसका नाम ही है समदर्शन। प्रत्येक वस्तु में गुरु दर्शन करना, इसका नाम ही है समदर्शन, जिसका बारे में हम चर्चा करते आए हैं। चर्चा करते करते यहाँ तक आए हैं। वास्तव शिष्य तो ये हैं, ये अपना नाश नाश में ये अनुभव को एकदम विचार करके अनुभव में ला पाते। विचार विचार करके मर में
हर वक्त ये विचार करके हर वक्त अपने को गुरु सेवा में भगवत सेवा में हर वक्त अपना जीवन जिंदगी को निछावर करते हैं। ये है एक्चुअली गुरु दर्शन, ये है समदर्शन। सिर्फ समदर्शन अगर हम बताएं तो आपको समझ में नहीं आए। गौड़ीय दर्शन में ये खुला जो है विचार है गुरु दर्शन गौड़ीय विचार में, इसको अगर ना भी बताया जाए तो अधूरा रह जाएगा। समदर्शन का विषय काल भी बहुत चर्चा हुआ था इस विषय में। श्रीमद् भगवद गीता से विद्या विनय संपन्नी ब्रह्मण्य गोविहस्तिनी सुनी चैव सप्याके च पंडिता समदर्शिना, इसका पहले का श्लोक भी चर्चा हुआ था। नादत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। चर्चा हो पाया थोड़ा बहुत। गीता का जो ये श्लोक है, नादत्त कस्यचित् पापम, भगवान कभी किसी का पाप पुण्य का हिस्सा नहीं लेने तैयारी है, लेते नहीं, ऐसा मापिक श्लोक भगवत श्रीमद् भगवत जी महापुराण में भी है। छठा स्कंद में 16 अध्याय में नादत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीन व बदासीन परावर दृग ईश्वर। आत्मा का भी सुख दुख अथवा किसी का कर्म जनित फल, ये सब कुछ लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान किसी को बताया ही नहीं तुम कर्म, तुम माया में लगे रहो, ये करो वो करो। सिर्फ भगवान ने ये बताया मद जाजी मंग नमस्कुरु, हमको भजन करो, हमारा पास आओ, हमारा कास आओ, लेकिन आदमी सुनता नहीं जीवात्मा। कारण और कार्य तमाम चीजों का सृष्टा तो भगवान है ही है, इसका लिए तो कोई इसी विषय में तो कोई संदेह है नहीं। इसीलिए विचार ये है जे जीव अपना मनमानी अपना भोग वासना के कारण अपना इच्छा का अनुसार जीवन जिंदगी को चलाते रहते हैं। और वास्तविक जब साधक गुरु चरण आश्रय करके गायत्री मंत्र जप करता है प्रचोदयात बोल के, हर हालत में इसमें छुपा हुआ शक्ति है, भगवान सब कोई को अच्छा रास्ता पे चलाने का इच्छा रखता है, लेकिन जीव स्वतंत्र है, अगर ना चाहे तो फिर भी अपना कर्मफल के अनुसार कुछ भी करे, वो भी इनडायरेक्टली भगवान इनडायरेक्टली है, माया का सेवा करे कुछ भी कर ठीक है करो, तमाम इन्फिनिटी जगत तो भगवान से ही आया है। अगर चोर है तो पुलिस का भी जरूरी है, चोर है पुलिस नहीं है कैसे हो सकता, चोर है अब पुलिस है, पुलिस का यूटिलिटी है चोर को धरना पकड़ना। तमाम चीज को विचार करके देखना, ये मीनिंगलेस नहीं है, निराधार नहीं है, इसमें आधार है, विचार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम इन्फिनिटी ब्रह्मांड भगवान का ही है। कहाँ से आया है, यशक निशेषितो काल मथावलंबो जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इहो यस्सु कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सब कारणों का कारण तो भगवान ही है, तो कुछ भी करो भगवान का सेवा करने का इच्छा नहीं है, ठीक है माया का सेवा करो,
दोनों का बीच में कोई रास्ता नहीं, दोनों का बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो भगवान का सेवा करो या तो माया का सेवा करो, बीच का कोई रास्ता नहीं। तत्वस्थ कंसेप्शन जो है, हम जीव तत्व का बारे में चर्चा शुरू करेंगे बहुत जल्दी, एक सेंसिटिव इशू आया है, तमाम धर्म जगत में उठपटांग चल रहा है, कोई कैसे भी अपना नाजायज फायदा लेके अपना कुछ भी चला देते हैं। अब आम आदमी जो है सब भूखा है, इनोसेंट है, भूखा है, वो सब मरता है, वो समझता नहीं क्या करे। तो या तो माया का सेवा करो या तो भगवान का सेवा, बीच का कोई रास्ता नहीं। और जो सब मायावादी भजन करते करते निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं, वो तो एक तो ऑलमोस्ट वन काइंड ऑफ सुइसाइडल स्क्वाड अपना समा जाते हैं। लेकिन उसमें भी कोई क्या है, आरुज्य की छेन परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुस्मत अंग्रयो, ये तो अलग बात है। ये कुछ ब्रह्मानंद में लग गया, जीवों का अंदर में सतसिद्ध ज्ञान विराजमान है, ये बात कई बार कह चुके, चर्चा कह चुके, यहां तक कि श्रीमद् भागवत जी महापुराण में है, विष्णु पुराण में बहुत सारी जगह बहुत सारे प्रमाण प्रमाण प्रमाणावली है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में 11वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी महाराज को, विद्या अविद्ये ममो तनु विद्धि उद्धव शरीरिनाम मोक्षो बंध करी आद्य मायाया में विनिर्मिते। क्या बताया, हे उद्धव, अविद्या और विद्या ये दोनों चीज मदियो माया रचितो अनादि, अनादि माने विदाउट एनी स्टार्टिंग पॉइंट, अनादि मदीय शक्ति स्वरूप, माया भी नित्य है, अनादि मदीय शक्ति स्वरूप, और एक जीव का अविद्या बंधन का हेतु और विद्या मोक्ष अर्थात मुक्ति का हेतु। विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धवो शरीरिनाम मोक्षो बंध करी आद्य मायाया मायायाते मायाया में विनिर्मित। विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धवो शरीरिनाम मोक्षो बंध करी आद्य मायाया में विनिर्मित। विद्या मतलब क्या है, विद्या मतलब है भगवत संबंधी विचार, आत्म संबंधी विचार, एज इट इज व्हाट, जो जहां है, जो चीज या चीज जो चीज जो कुछ है उसी को उसी में मुताबिक समझना, भगवान को माया नहीं समझना। और भगवान प्राप्ति के रास्ते में थोड़ा माया मिलावट हो जाए तो मेरे लिए सुविधा हो सके, ऐसा चलता नहीं। प्रभुपाद जी मुस्कुरा के कहते थे, भगवान दया करके हमारे पास आ जाओ, थोड़ा कीपा करके आ जाओ, लेकिन थोड़ा माया का मिलावटी लेके आ जाओ, तो माया मिला के आ जाओ, नहीं तो पकड़ नहीं सके हम। भगवान कभी माया का साथ मिलावटी नहीं रहती, भगवान तो भगवान ही है, माया तो माया ही है, दोनों का आपस में हिलमिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वैष्णव जी नारद जी का उपदेश लेकर जब शुरू किए ना, याद है ना, तो देखा भगवान को देखा और पीछे एकदम पीछे शर्म के मारे सूर्य सर झुका के माया देवी सर झुका के रहती है, शर्म के मारे
मेरा ये सेवा है, बेकार का सेवा। वैष्णव जी महाराज के बारे में बताया, दूर बैठी एकदम सर झुका के, तो जहां कृष्णो तहां नहीं माया अधिकार, जहां भगवान है, जहां गुरु वैष्णव है, गुरु वैष्णव मतलब अंदर में भगवान है, भगवान का सामने गुरु वैष्णव के सामने माया कैसे टिक सकता है। शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर का कितना ऑपरेशन किया, अत्याचार किया, याद है ना है? वो जो बदमाश जोगी, याद है ना, कितना बदमाशी किया, जोग तंत्र मंत्र अभी भी चलता है, कुछ वैष्णव को मार डालो, किसी को तंत्र मंत्र करके अस्वस्थ बना दो, ये चलता है, ये सब असुर है। अनंत काल में लोग कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ये चलते रहेगा ऐसे ही, निष्ठुर है, क्रूएल, हरि कथा नहीं चाहता, जहां हरि कथा उसको बंद कर दो, खत्म कर दो, लड़ाई लगा दो, पॉलिटिक्स कर दो, ये ऐसे ही करेगा। इसका जिंदगी इसके लिए, वो इसी कारण पैदा हुआ है, गुरु वैष्णव को ठगने के लिए। वो जानता नहीं गुरु वैष्णव को ठगा नहीं जाता, आम आदमी को चीट कर रहा है, साधु का बेस लेके ऐसे चल रहा है। चलने दो, माया देवी का भी चलना चाहिए ना, माया देवी का भी एक बाजार होना चाहिए, मार्केट, माया देवी का सुपर मार्केट है, हैं? वैष्णव लोगों का सुपर मार्केट है, लेकिन वो पता नहीं चलता कहाँ है। तो ऐसा है, विद्या अविद्या दोनों अंदर में रहता है, आत्मा संबंधी जो विचार है ये विद्या है, जिसके द्वारा जड़ जगत का सारे भोग विलास एंजॉयमेंट फीका पड़ जाता है। काल भी चर्चा कर रहा था अंग्रेजी में, वैराग्य विद्वा, वैराग्य रस, जो गोकर्ण जी महाराज जी ने बताया आत्मदेव को, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, हाँ बहुत सुंदर बात बताए, वैराग्य राग रसिको, आप वैराग्य कोई वैराग्य राग रसिको, यस, वैराग्य भी रस होता है, हाँ वैराग्य रस होता है, वैराग्य विद्या होता है, लेकिन दिखाने वाला जो वैराग्य है वो अविद्या है। जैसे सर्वम वटेचा जी ने बताया ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो, श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। वैराग्य रस है, वैराग्य का मतलब है टू मैक्सिमम एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके जड़ विषय से दफा रहना। मेरा बात समझ में आए ना, जितना हो सके जड़ विषय से दफा रहना, और अगर सारे वस्तु में भगवत सेवा बुद्धि हो तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली हो गया, वैराग्य तो ऑटोमेटिक हो गया, इसमें तो ये सब कोई क्या दरकार है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपका माला चंदन, आपका कपड़ा चादर सब सृगंग मान लो विभूषित होके, हम लोग क्या, उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि आपका प्रसाद लेके हम तो अनायास माया जाहिर कर देंगे। ये सच्चा बात है, किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पोल पोटी खुलने जाए तो बहुत सारे आ जाएगा ऑपरेशन करने जाए कि क्यों नहीं हो रहा है। प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रपंच जाय, हम इतना प्रसाद पा रहे हैं, राक्षस का माफी, कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता महाराज, हम प्रसाद नहीं पा रहे। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है,
और वास्तव प्रसाद भी है कि नहीं, ये विचार करके देखना है। प्रसाद पाया और माया माया भी पकड़े हुए है, ये कैसे हो सकता है? प्रसाद सेवा करी तो है सकल प्रपंच भगवान तबो सगंग मान लो है ये जो लेके उद्धव जी महाराज कह रहे हैं तब माया जय मही। हम लोग उद्धव जी महाराज अपना लिए सिर्फ पर्सनली सेल्फिश का माफिक स्वार्थी स्वार्थ पर होके अपना लिए बताए नहीं, तब माया जय मही। जय मही मतलब प्लूरल नंबर, संस्कृत में जयमो मतलब अपना सिंगुलर नाम, जय मही जय कर लेंगे, ये बहुवचन है। तो वैष्णव जी महाराज भी ये संत लोग जो है ये बड़ा बड़ा महात्मा ये कभी सारथी नहीं है, आदमी गलत समझता है, आदमी का गलत है ये प्रभुपाद का बोल बात बोलने से ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये सोचते नहीं कि हमारा मंगल चाहता है, कितना अकलमंदी है। देखो इसका अंदर में कभी भेदभाव रह सकता है? सब अपना है। जब काल बताया था ध्यान नहीं दिया, एक संत महात्मा जो है उसका विचार कैसा ऊंचा है, तमाम दुनिया को अपना समझते हैं। नीति शास्त्रों में भी है जो उदार चेता बड़ा महात्मा है, आप सुंदरा आप सुंदैव कुटुंबकम, कुटुंब मतलब रिलेटिव मानता है, अपना सब अपना सब अपना है। काल ये विचार प्रस्तुत कर रहा था, याद है आपको, जस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मैव अभूत विजानता तत्रो को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। जब अपना साथ तमाम दुनिया को मिला के देखोगे, हर वस्तु में भगवान का उपस्थिति अनुभव करोगे, किसको मारोगे, किसको खून करोगे, किसको दुश्मन समझोगे, बताओ कौन दुश्मन है आपका? हैं गलत फहमी है, कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन है तो अपना अंदर में ही छुपा हुआ है। काल बताया था ना, काम ऐश क्रोध ऐश रजो गुण समुद्भव महासन महासन महात्मा महापातात्मा विद्दिनम एनम बरिनम, काम ऐश क्रोध ऐश रजो गुण समुद्भव महासन महापापना विद्दिनम एनम बैरियम, इसको बैर्य मानो, ये शत्रु मानो। आदमी जानता नहीं, जब समदृष्टि हो जाए, जब समदृष्टि हो जाए भगवान कितना प्रसन्न हो जाते। जब कोई समदृष्टि हो जाए, समदर्शन वाले हो जाते हैं, भगवान कितना प्रसन्न हो जाते हैं उसका ऊपर, गले लगाना चाहते हैं। हर वस्तु में भगवान दर्शन करता है, कैसे संभव है इसको दुश्मन समझे, इसको मित्र समझे, कैसे समझे, संभव नहीं। भागवत में ये भी विचार है, सुंदर विचार, जस्व प्रसन्न भगवान गुण व जस्व प्रसन्न भगवान मैत्रा देवी गुना तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न बापो इपो इबो स्वयं। जस्व प्रसन्न भगवान गुण मैत्रा देवी सह, जस्व प्रसन्न भगवान गुण मैत्रा देवी सह तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न मापो इवो स्वयं। अगर आपको प्रश्न किया जाए तो पानी कहाँ जाता है, बोले महाराज पानी तो ऊपर से नीचे जाता है, पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं गया। एकमात्र वृंदावन में भगवान का वंशित धनी का समय ये उल्टा पलटा हो गया, सब पानी जो है सॉलिड सॉलिड हो गया, पत्थर बन जाना, बर्फ बन गया पूरा, और जो पत्थर है ये पिघल गया। नदी जा नदिया नदिया का पानी इस तरफ जाना है, जमुना नदी का पानी इस तरफ जाना है,
उस तरफ जाना शुरू कर, उल्टा हो गया। एकमात्र अलग चीज है, लेकिन पानी तो नीचे ही जाता है, लिक्विड वस्तु जो है हर वक्त ऊपर से नीचे, यही तो इसका गति है। जो सुप्रसन्न भगवान गुण मैत्रादिवि सह तस्मै नमान्ति भूतानि, जो समदर्शन प्राप्त किए हैं भगवान इतना प्रसन्न हो जाते उसके ऊपर कि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं, उसका ऊपर हिंसा करना संभव नहीं है। जारे सारे जे भूतग्राम है सब इसका अनुकूल बन जाता है, समझा। जैसे हिरण्यकशिपु इतना अत्याचार किया लेकिन सारे प्रहलाद महाराज का अनुकूल हो गया, विष दो तो अमृत बन गया, आग दो तो पानी बन गया, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया हिरण्यकशिपु असुर प्रहलाद महाराज जी को, सारे अनुकूल बन गया। जब आदमी भजन करता है करते करते ऊपर जाता है, विशेष करके भगवान बताए जो लोग संन्यास लेना चाहता है कुछ करता है, देवता लोग भी इसका पीछे लग जाता है, कैसे इसको पतन किया जाए। कभी सुंदरी रमणी का रूप धारण करके आहा महाराज आपका सेवा कर दे आओ, किसी भी हालत से सामने पहुंच जाए माया, माया कैसे आए ये आपको पता नहीं चलेगा। हमारा परमहंस आचार्य जो गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज ये सब शिक्षा दिया, आपको ये सब शिक्षा लेने का इच्छा है तो खूब खूब आ जाओ, ये सब शिक्षा ले लो, और नहीं इच्छा है तो न मत आओ। गौरकिशोर बाबाजी महाराज बाहरी दृष्टि में आंखों में नहीं दिखता था, ऑलमोस्ट अंधापन। एक दफे गौरकिशोर बाबाजी महाराज तो भजन करते रहते हैं हर वक्त गंगा का किनारे, ये हमारा गंगा जी जो है नवद्वीप का जमुना, कैसे बोला ऐसे, बोले गंगा तो जमुना तो प्रेमदायिनी, जीवों को सही बात विचार किया, और गौरांग महाप्रभु का स्पर्श के द्वारा चरण के स्पर्श के द्वारा हमारा ये नवद्वीप का गंगा जी जो है वे भी प्रेम देने वाली है। अब समझा नहीं, गंगा तो ऐसे पवित्र करने वाली है लेकिन ये नवद्वीप का गंगा चैतन्य महाप्रभु के चरण का जो सौंदर्य जो सौकार जो चरण का पानी, महाप्रभु जी ने नहा धाम का पानी नवद्वीप धाम का, ये बड़ा ऊंचा बात है। और गौरकिशोर बाबाजी महाराज बस बैठे बैठे भजन करते थे ये विचार से, और कभी कभी कोई माता जी आ जाती आके, और एक दफे एक माता जी कह रही कोई काम नहीं है बेकार माया देवी है, बाबा बाबा सांप है आपके साथ, कहां 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 बोल के हाथ फैल रहा है इधर उधर, अरे आपका हाथों का बगल से निकल गया सांप, कहां है सांप, पकड़ना चाहता है गौरकिशोर बाबा, अरे आप अभी आपको अभी आपको काट देते, अरे हम तो यही चाहता है कि सांप मेरे को काटे, अरे हरि भजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ क्या करे, ये शरीर लेके क्या करे, महाप्रभु जी ने सिखाया ना महाप्रभु जी का विभोर्मी प्राण पतंग कान बिथा, ये प्राण रूपी जो पतंग है बेकार में इसका इसका केयर ले रहा हूं जत्न कर रहा हूं, प्राण पतंग कानो विभोर्मी बिथा, विभोर्मी प्राण पतंग कानो बिथा, कोई कारण नहीं है बेमतलब हम अपना अपना शरीर अपना जीवन जौवन पर इतना केयर ले रहा है, क्या कारण है, जब हरि भजन ही नहीं हुआ क्या मकसद है हमारा जिंदगी का, क्या लाभ है, क्या मिलने वाला है ये माया का दुनिया में जो आप लोग उछल पड़े हो भोगने के लिए,
गौर किशोर बाजी महाराज जा रहे तो हम यही चाहता है कि सांप मेरे को डांसे काटे, अब जी जिंदा रह के क्या करे, भजन नहीं हो पाए। पानी के साथ भिगाया हुआ काल का चावल प्रसाद बाबा जी महाराज ओपन रख देते थे, ओपन, और उसी को पाते थे। महाप्रसाद में हमारा विश्वास थोड़ी है, और महाप्रसाद होता कि नहीं ये तो देखना पड़े। विचार काय बात की, जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद 100%। हम भगवान को दे तो प्रसाद हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रजच्छत तदहम अस्नामी, ये कंडीशन है ना। कंडीशन क्या क्या है, भगवान बोले गीता में पत्रम पुष्पम फलम जो भक्ति के द्वारा हमको देते हैं वो हम लेते हैं। अब भक्ति कब होते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले मैं लक्ष्यपति का हाथ में खाता हूं। है लक्ष्यपति, अरे हम तो गरीब है, हम क्या, हम तो हमको कैसे खिलाएंगे, हम तो गरीब है। अरे गरीब नहीं है, मेरा मतलब है जो लाख नाम हरि नाम करते रहते हैं, फजूल बातें मिले बातें करते रहते हैं, हैं हर वक्त उल्टा सीधा बातें में मशगूल है, हरिनाम करने में टाइम नहीं। हरि भजन का आलसी भोजन का होशियार, हरि भजन का आलसी भोजन का होशियार, आलू का परोठा बने, आलू मठोरा बने और नान पूरी बने, बहुत खाए चकाचक, भजन में कोई रुचि नहीं। भजन हो तो महाराज होता नहीं, हमसे होता नहीं, क्या करे, अरे होता नहीं क्यों, होता नहीं क्यों, होता नहीं क्या कारण है ये तो सोचो। माया में उलझे रहते हैं। महाप्रभु कहते थे लाखपति का हाथ में मैं खाता हूं, जो 1,00,000 हरिनाम लेता है पवित्र अपतित रूप में, ऐसा जो विचार आता है। विद्या अविद्या दोनों ही अंदर में है। आदमी सोचता नहीं, भगवान के ऊपर इल्जाम लगाता है, क्या भगवान जुमा है। अगर कोई ऐसा प्रश्न करे, भगवान भक्त लोगों को अनुग्रहाय भूतानाम ऐसा बताया, और दूसरा जगह बताया देखो ये भक्तगण को अनुग्रह करने के लिए, और जो जो श्लोक पहले बताया था याद है, कई बार बताया, संभवामि युगे युगे अनुग्रह है ना, ये दो संभवामि युगे युगे, इसमें भक्त लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम, बिना विनाशाय च तो विनाशाय च तो दुखी दुष्कृतम, तो इसमें तो महाराज भेदभाव तो है ही भगवान में, ये बताया भगवान, ये तो बताया ना, तो इसमें भेदभाव जरूर नहीं है। आपको समझने में लग रहा है, लेकिन कभी भी भगवान में कभी भी दूजा भाव नहीं है। भगवान अगर समदर्शन नहीं है तो भक्तों का समदर्शन कहां से आए, जो भगवान में ही नहीं है तो भक्त में कैसे। भले अभी प्रश्न किया जाए, जो विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत कारीगर के विनाश करने के लिए ऐसा अगर है, भक्तों को बचाने के लिए, तो ये तो हुआ भेदभाव ही तो हुआ, क्या हुआ ये, ऐसा अगर प्रश्न आए तो भक्तगण को अनुग्रह करना,
अभक्तगण को निग्रह करना, शास्ति देना, ये भगवान का अगर वैषम्य भेदभाव माना जाए ये उचित नहीं। क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती भी इसका उत्तर दिए बहुत ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिए। नहीं, इसमें भगवान का बिल्कुल भी विषम बुद्धि, विषम बुद्धि, वैषम्य बुद्धि और बिल्कुल नहीं है। भगवान का समदर्शन का कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक लड़का पुत्र अगर बहुत उदमबाजी कर रहे हैं तो माता या पिता उसको पीटे थोड़ा। हम भी पिटाई खाया, बहुत पिटाई खाया, बहुत। खेलने के लिए जाते थे, अरे कहाँ जाता है खेलने के लिए, नहीं बट, और दूसरा कारण नहीं है खेलने के लिए, बहुत पिटाई किया, इतना पिटाई खाया, आप एक पिटाई खाओ तो मर जाओ। तो भी शासन है, इसमें मंगल ही हुआ। तो दुष्ट पुत्रों के लिए पिता माता जैसे शासन बानी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये माता का पिता का पीटना भी अनुग्रह है, ये भी स्नेह है, ये भी स्नेह है। और सर्वत्र समदर्शी भगवान, भगवान ने खुद ही बताया, सनातन तुम्हारा शरीर में खुजली हुआ है, तुम दुखी मानते हो, लेकिन सच पूछो तो मैं तुमको आलिंगन करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तुम्हारा पवित्र गुण जो है मेरे में नहीं है, मुझ में नहीं है, तुम्हार पवित्र गुण नहीं को अमाते। तुम्हारा जो पवित्र गुण है वो हमारा अंदर में नहीं है। प्रभु कहे, प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी पवित्र होते, तुम्हार पवित्र गुण नहीं तो अमाते। हम तुमको स्पर्श, तुम दुखी मानते हो, तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा शरीर में खुजली हुआ है, खून चलता है, खराब खून चलता है, लेकिन जब पहला दिन तुमको जोर जबरदस्ती मैंने आलिंगन किए, बलात्कार करके आलिंगन किए, तब हम चंदन का गंध मिला। भगवान कह रहे पहला दिन जो जोर जबरदस्ती तुमको आलिंगन किए, तुम भागते भागते हुए चल, हम जोर जबरदस्ती, तो उसी दिन पहला दिन ही चतुष्सम मैंने चंदन कर्पूर अगरू सारे देखे, एकदम जो सुगंधी वस्तु जो भगवान के अर्पण करने वाले, ऐसा गंधन मिला। सनातन अगर हम तुमको घृणा करते तो कैसे मेरा समदर्शन माना जाएगा? मेरा तो चंदन और बच्चा का, बच्चा जब टट्टी करते बच्चा, तो बच्चा का टट्टी में मैया का घृणा नहीं है। भगवान ये उदाहरण दी, बच्चा टट्टी पर सब करता है मैया का गोदी में, तो चंदन सम वो सोचता ही चंदन है इतना प्यार है, वो टट्टी को भी चंदन जैसा है, सफा करो। दूसरा आदमी करे, ऐ हट जाओ, अरे हट तो जाओ, मैया का लिए तो नहीं है। ऐसा करके विश्वनाथ चतुर्वेदी बताएं कि देखो ये पिता माता का जैसा पनिशमेंट शास्त्री पुत्र को बोती होता है दुष्ट पुत्रों, ये समदर्शन का कोई खिलाफ नहीं है, गलत मत समझना। और गीता का वो श्लोक में जो परित्राणायो साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, इधर विश्वनाथ चतुर्वेदी ने चर्चा करते करते टिप्पा टिप्पणी में दिखाए, भगवान कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, मेरा सर्वभूत में समदर्शन ही है, शत्रु मित्र बोल के मेरा कोई कुछ नहीं है। फिर भी भक्तिमय ठाकुर भी ये लिखे, ये तो समदर्शन है ही है, मेरा हर वस्तु में समदर्शन, हर व्यक्ति में, चाहे कोर बीमार वाले हो, चैतन्य महापो उसको गले लगाए, कोर बीमार है पूरा एकदम कीड़े चल रहा है, महापो जो जो वस्तु उसका आलिंगन किए, भगवान के लिए सारे समान है, भगवान का लिए तो सब सारे समान है। और भगवान कह रहे हैं कि देखो भक्ति में ठाकुर लिखे
विश्वनाथ चतुर्थी पद भी यही लिखे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो ये तो मेरा समदर्शन है ही है, फिर भी जो अनन्य चिंतन तो ये यनामांग पर जुबास थे तेसाम नित्ताभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्याम, ये मेरा विशेष नीति है। जो हर वक्त मेरा चिंतन में लगे रहते हैं, हर वक्त हर वस्तु में मेरे को देखते रहते हैं, क्या उसको मैं कैसे उपेक्षा करे बोलो, आप ही बताओ। है तो समदर्शन मेरा है ही है, वो रोते रहते हैं मेरे बिना कुछ नहीं है उसका जिंदगी में, क्या मैं इसको कैसे उपेक्षा करूं। आज जो बदमाशी करके मेरे को मेरा साथ मेरे को दुश्मन बनता है, उसको हम क्या करें बोलो, वो अपना अपना कर्म फल को भोगे। तो भक्ति में टोकर लिख दी, ये तो मेरा स्वाभाविक नियम है, समदर्शन तो मेरा है ही है, लेकिन मेरा विशेष एक नियम भी है कि भक्त के लिए मेरा प्यार स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से भक्तों के लिए तो मेरा प्यार होना ही चाहिए। वो चिंतित अनन्य चिंतन तो मांग जी जना पर जुबास, हर भगत मेरा चिंता में लगे रहते, मैं क्या करूं, उसके लिए विशेष नियम है मेरा, उसको गले लगाना चाहिए कुछ है जो चीज है सब। तो ऐसा करके विचार करके देखे तो भगवान को कभी भी दोषारोप नहीं किया जा सकता, भगवान को दोषारोप करना ये उचित नहीं, ये मूर्ख का बात है, मूर्ख लोगों का विचार है। नो नो नो, भगवान को कभी भी दोषारोप नहीं किया जा सकता, ये तो बद्ध जीव जो है अपना अपना मनमानी कामना वासना को पूर्ति करने के लिए आग में छलांग छलांग लगाता है, आग में छलांग लगाता है, तो हम क्या करें, हम तो बोला नहीं उधर जा, वो जोर जबरदस्ती की। जैसा एक उदाहरण दे दे, आप ही बताओ, एक उदाहरण दे दे, आत्मजीव आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बड़ा दुखी है, उसका जिंदगी में कोई लड़का लड़की कोई संतान नहीं, आत्मजीव आत्मदेव जी महाराज संसार छोड़ के जंगल में चले गए, बोले हम मरेंगे क्या करें, जी के क्या करें, और जब दुखी होके रोते रोते हम तो मरने का निश्चय कर लिया, तो भगवान एक संतु को भेज दिया हैं, और संतु ने बोला रो क्यों रहे, बोले हम क्या करें, हम जिंदगी छोड़ देंगे शरीर, पर क्यों क्या है, बोले हमको कोई लड़का लड़की नहीं कोई संतान नहीं है, तो मेरा जो मौत का बाद कौन मेरा तिलांजलि कौन देंगे, पानी भी नहीं मिल रहा, तो खुद हम खुदकशी कर ले मर जाए। तो सन्यासी ने बताया कि देखो महाराज, आपका जिंदगी में 7 जन्म तक कोई लड़का लड़की संतान है ही नहीं, अब कहां से मिले, आपका तकदीर में है नहीं, नहीं हमको चाहिए, हमको लड़का लड़की चाहिए, हमको कुछ भी चाहिए, हमको संतान चाहिए, नहीं तो आपका सामने हम मरेंगे। अरे रुको रुको रुको, आपका सामने हम मरेंगे, आप मेरे को कृपा करो, ऐसा कृपा चाहता है, ऐसा कृपा चाहता है। देखो बद्ध जीव का ऐसा हालत है, वो कौन क्या कीपा है, क्या मंगल है, क्या मंगल है, अमंगल है, कुछ समझ नहीं पाते। नर्मदा का इस पार शहर बसे हुए है, होशंगाबाद एक मैं गया था बहुत दिन पहले, वहाँ रुपया का जो पेपर है बनता है, बहुत दिन पहले गया था, आज नहीं हो सके 30 साल पहले, 30-35 साल पहले। वहाँ एक कहानी सुना महाराज, नदी का उस पार जो है जंगली जंगल है नर्मदा का, वहाँ एक पहाड़ी चट्टी है सुंदर, पहाड़ का गुफा में एक बाबा रहता था, खूब भजन करे और उसका मुताबिक भजन, हमारा गौड़िया भजन थोड़ी है, और कोई पता नहीं चलता बाबा कब नहाते हैं कब खाते हैं क्या करते हैं, किसी को सिर्फ भजन ही भजन। एक नौजवान लड़का तैयार कर लिया कि हमारा जीवन जिंदगी बेकार है, पैसा नहीं है कुछ नहीं, गरीबी है, मैं बाबा के पास जाऊं कुछ पैसा वैसा मांगी, ये विचार लेके गया
और जाके गुफा का सामने तो रोना शुरू कर दिए, कीपा करो कीपा करो करके एकदम पानी बह रहा है आंसू का पानी। और बाबा ने कहा नहीं गया बाबा, बाबा बाहर है, ए क्या चाहिए, अरे मेरे को कीपा करो मेरे को कीपा करो। बाबा ने क्या किया उसको कीपा, जा कीपा कर दिया, तेरा संसार छूट जाए, तेरा मंगल हो जाए, जा। और जब ऐसा बोला वो नौजवान लड़का और ज्यादा रोना शुरू कर दिया, अरे पहले जैसा रोता था और ज्यादा रोना शुरू कर दिया, अरे क्या क्या हुआ, कीपा तो कर दिया, ए कीपा तो कर दिया, नहीं ऐसा कीपा नहीं चाहिए, कौन सी कीपा चाहिए। तो फिर बोले महाराज हमको एक धंधा लग जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा घराने में शादी। ओ उल्लू का पट्टे, पहले क्यों नहीं बताया तेरे को मरने का कीपा चाहिए, ए पहले क्यों नहीं बताया, हमने कीपा किया, कीपा में भी दोष निकाला, ऐसा कीपा नहीं चाहिए, ये कपट है व्यक्ति। तो ऐसा करके अगर जिंदगी भर कीपा मांगते चलो सदगुरु वैष्णव से, जिंदगी भर अगर ऐसे कीपा मांगते चलो तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कीपा मांगते ही रह जाना और संसार में डुबकी लगाते चलना, अब समाधान कुछ नहीं है, समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी कपट है, वो कीपा चाहता ही नहीं तो कीपा कहां से मिले, कीपा चाहता है तो कीपा मिलने का तो रास्ता खुल जाए, बलदाव जी महाराज है, जिसको सच्चा कीपा चाहिए उसके लिए सच्चा कीपा चाहिए तो सच्चा कीपा का रास्ता भी खुल जाए, ये देने वाला बलदाव जी महाराज है। और असली बात यह है तो कीपा चाहिए नहीं और बोलता है कीपा कर, कपट है ये। ऐसा है कि हर वक्त जो ये है भगवान का कीपा का बारिश, भगवान का कृपा का बारिश चलते रहते हैं, धाम नाम हर भगत कृपा का वर्षा ही चल रहा है, हर भगत कृपा का वर्षा ही चल रहा है, लेकिन आदमी को पता नहीं, उल्लू का पट्टा है, बिल्कुल पता नहीं चलता। संत महात्मा हर भगत कीपा देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने के लिए किसी का अंदर में असली चाहत हो तब ना। जो बात बताया देखो विचार करके, अगर समदर्शन आ जाए भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि मत पूछो। जस्यो प्रसन्न भगवान गुण गुण मैत्रादिभि सह तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इवो स्वयं। जो भगवान प्रसन्न होने से तमाम हिंगस्र पाणी भी अनुकूल हो जाते, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का ऊपर भगवान नारद जी महाराज प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है, तो तमाम जो जंतु जानवर है वो भी प्रसन्न है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, जैसे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वृंदावन से नवद्वीप आ रहे हैं और एक टोकरी में बैठे हुए हैं और सर पे लिए हुए बिहारी सेवक जो है, बिहारी अपना सर पे लेके बाबा को चल रहे हैं और सामने एक शेर पड़ गया, एक शेर, और बिहारी पीछे चल रहा है। अब बाबा बोले ए पीछे क्यों चल रहा है, बाबा सामने शेर है, शेर है तब शेर नहीं है, ये गौरंग मापू का पार्षद है, चल कुछ नहीं करे। अरे देखो विचार, बाबा बोले सामने चल,
वो गौर का पार्षद है, जानता नहीं, और सामने चला गया, शेर कुछ नहीं किया। आप मानोगे नहीं ना, गुरुजी बोलते थे बाबा जिसका अंदर में समदर्शन हो गया, जिसका अंदर में प्रेम ही प्रेम, जिसको ही देखो, इसका प्रीति का नजर में देखे, इतना प्यार का नजर में देखे, किसी जंतु जानवर किसी का ऊपर इसका कोई देश नहीं है। जब कोई आदमी अपना जिंदगी से देश बोल के जो चीज है एकदम मिटा दिया, कुछ नहीं है, बचा नहीं कुछ, दुश्मनी विद्वेष नहीं बचा। अगर आप उसको दुश्मनी करने जाओ तो इसका नतीजा क्या देख लेना, इसका नतीजा क्या देख लेना। कोई अगर पक्का संत महात्मा है ना, जो किसी का भी देश नहीं, उसका पीछे लग जाओ, कुछ करो, दुश्मनी करो और देखो व्हाट इज द नेट आउटकम। गुरुजी बोलते थे जिसका अंदर में विद्वेष बोल के कोई चीज नहीं बचा जिंदगी में, बाबा उसके लिए तो सांप भी अनुकूल बन जाए, सांप का शरीर में लात लग जाए फिर भी सांप नहीं डसेगा। बाबा गुरुजी बोलते थे सांप का शरीर में पैर लग गया फिर भी वो डसेगा नहीं, क्योंकि उसका अंदर में तो परमात्मा है, भगवान है, उसका अंदर में तो भगवान है ना, कौन है, उसका अंदर में भगवान है। भगवान चैतन्य महापुरुष इसी बात को उत्तर दिया ना, जब शिवस पंडित डर गया कि संकीर्तन करने के लिए वो काजी जो है सरकार का आदमी वो अत्याचार करने के लिए आने वाला है और तोड़ फोड़ करेंगे, मृदंग तोड़ दे, ये तोड़ दे, मार पीट काटा पीटी करे, वो डर के मारे अंदर में मंदिर का अंदर में बैठा हुआ भर के ठाकुर जी को जप कर रहा है। और चैतन्य महापुरु आ गया, एक लात लगाया डोर पे, हे शिवास खोल, किसका पूजन कर रहा है। और निशिंग को बुला दे, अरे जिसका पूजन कर रहा बाहर आ गया, खोल। दरवाजा खुला, अरे प्रभु का ऐसा मूर्ति कभी नहीं देखा, अनोखा मूर्ति, जैसे एकदम तेज निकाल रहा है शरीर से। शिवास किस बात का डर है, किस बात का डर है, तू किसके लिए डरता है। काजी का अंदर में मैं बैठा हुआ हूं, काजी को अगर प्रेरणा दे कि जा शिवास का उधर है तब तो करे, है वो कैसे करे। शिवास का अंदर में भी भगवान है, काजी का अंदर में भी भगवान है। विचार ये है कि डरने का कोई बात नहीं, भगवान अगर प्रसन्न हो जाए जंगल में भी मंगल है, अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो जहां भी रहो जितना सिक्योरिटी में भी रहो अमंगल ही अमंगल है, ये सोच के रखना। भगवान का प्रसन्नता के लिए आपको फिर एक ही चीज चाहिए, समदर्शन, भगवान के लिए प्रीति, सब जीवों में समदर्शन यही चाहिए। समदर्शन का बारे में बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा है, लेकिन समय कहाँ है, इतना चर्चा करने जाए तो समय परमिट नहीं करे। सो इतना समझ गया, शायद आप ये इतना तक समझ गया, विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गोभी हस्तिनी सुनी चैव सप्या के च पंडिता समदर्शिना, ये पक्का बात है। किम अलभ्य तई प्रसन्ने, अगर भगवान गुरु वैष्णव प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर मेरा ऊपर रिच जाए, संतुष्ट हो जाए, तो क्या कुछ कर सकता है दुनिया। जितना भी दुश्मनी करने का इच्छा कर ले और देख नतीजा क्या निकलता है, हम तो बिल्कुल डरते नहीं। और देखो विद्या ददाति विनयम, ये तो काल चर्चा किया,
और अगले श्लोक में ये बताया 19 नंबर श्लोक में, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सम्यक् स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? भले ठाकुर जी कह रहे हैं कि इहैवो इहां इहो एव ई जगत में, इसी जगह, इसी जगत में इहैवो त्वेर जीतः स्वर्गो येषां सम्यक् स्थितं मनः। प्रकृति जय प्राप्ति करना कोई आसान बात नहीं है, प्रकृति को जय प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, फिर भी आसान है, फिर भी चुटकी है, अगर गुरु वैष्णव का कृपा मिल जाए। किसका अंदर में कृपा प्राप्ति करने का चाहत है? कोई सालग्राम छोके बोल सकता? हमारा भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते थे, कोई भगवान को नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, सालगाम छोके बोलो हमको भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तीर्थ महाराज जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, छाती ठोक के बोलते थे, हम तो बहुत है ना, देख के पूरा एकदम यही वो तो इर्जितः सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः। जिसका मन साम्य अवस्था में स्थिति हो गया, समदर्शन को प्राप्त किए हैं जो व्यक्ति, हर वस्तु में भगवत उपस्थिति का अनुभूति है, उसका लिए तो ये जगत में रहते हुए भी जय कर लिया, ये जगत को जय कर लिया, ये जगत को जय कर लिया, क्या प्रकृति क्या करे, माया क्या करे, यही बताइए जीता। माया क्या है, माया का क्या डेफिनेशन है? हमने बोला ना भक्ति में ठाकुर जी, मतलब माया क्या है उस दिन बताया था, याद नहीं रहता। अब एक सेंटेंस में उत्तर दे, भेदभाव दर्शन ही माया, बस हो गया। अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलो भक्ति विनोद ठाकुर का पास। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान का अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंशियल जो है, ये असली शक्ति है, असली वास्तव अंतरंगा शक्ति, ये वास्तव शक्ति है। ये अंतरंगा शक्ति का बाहर इस जगत में जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन जो शक्ति इंटरनल शक्ति नहीं रहने से इस शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता, नहीं रहता, उसका नाम माया। माने क्या हुआ? भगवान का अंतरंगा शक्ति जोग माया जो है वही असली शक्ति है। इसका बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन जो अंतरंग शक्ति नहीं रहने से इसका अस्तित्व नहीं रहता है। ये माया मतलब क्या हुआ? जोग माया शक्ति है भगवान का अंतरंग शक्ति, जोग माया शक्ति का छाया शक्ति है, जोग माया शक्ति का शैडो, शैडो है, छाया शक्ति है इस जगत में। दुर्गा छाये वो जस्सो भी वो जय जय न सृष्टि स्थिति पलय साधन शक्ति रेखा, क्या बताया? सृष्टि स्थिति पलय साधन शक्ति रेखा छाये वो जस्सो भुवनानि विवृत दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्सो च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान का इच्छा के अनुसार छाये वो, छाये वो मतलब छाया, छाया इबो, छाये वो इसका संधि में विच्छेद अलग कर दो तो छाये वो, छाया इबो, छाया का माफिक मतलब असली शक्ति वैकुंठ जगत में गोलक में उसका शैडो है जोगमाया, ये सारे नचारा है, हर दुनिया को नचारा है, नचाने वाली, ये नचाने वाली पिशाची पाई ली यथा मति छन्न होय मायाबद्ध जीवेर होय सही भाव उदय, समझा? जैसे पिशाची पकड़ने से, भूत पेत पिशाच पकड़ने से क्या करता है? उछल पड़ता है इधर उधर, उधर क्या हुआ, अरे भूत पकड़ा। पिशाची पाइले जथा मति छन्न होय मायाबद्ध जीवेर होय सही भाव उदय, इतना अच्छा डेफिनेशन
अनंत ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाले। कितना सुंदर दिया देखो कृष्णदास कबीर जी, पिसाजी पहले जथा मति छन्न है कि खोपड़ी में अगर कुछ है, खोपड़ी में अगर कुछ है तो अभी समझ में आए। कितना सुंदर समझाया कृष्णदास कबीर गोस्वामी ने, पिसाची पाइले जथा मति छन्न होय मायाबद्ध जीवेर होय सही बाबूदय। और एक सेंटेंस में हमको बोले माया का किसको बोलता है बताओ, हम बोले विषम दर्शन अर्थात भेदभाव दर्शन जो है यही माया हो गया। एक लाइन में उत्तर दे दिए, माया क्या है? भेदभाव दर्शन ही माया। भेद मतलब अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान से अलग कोई तत्व का उपस्थिति का अनुभव करना, जिसका बारे में बहुत बार कह चुके शास्त्रों का ये बात बहुत बार। जो ये देखो गुरु का भजन करे, गुरु तत्व का अनुभव करे, इसमें देखा जाए तो विचार ये है। तो गुरु तत्व का एक श्लोक है, मैं बताते रहता हूँ हर वक्त, भागवत का ही है, हर वक्त बताते रहता हूँ, भूल गया अभी याद आ जाएगा। जो भी है ये जो भेद दर्शन, ये भेद दर्शन ही माया, भेद दर्शन ही ये माया है और कुछ नहीं। तो ये विचार प्रस्तुत किए, आप समझने का कोशिश करना। और चैतन्य चैतन्य में भी महाभागवत का क्या लक्षण है, महाप्रभु जी ने खुद बताया। देखो राय महाशय बोलते हैं, अरे ऐसा ऐसा देखा आपको है, राधा गोविंद देखा आप दो मिल के, आप देखे कंचन राधा रानी का अंग जो ज्योति है इससे श्याम सुंदर का श्याम सुंदर को ढक दिया और गोल्डन कम्प्लेक्शन सोने का कच्चा सोना का, आप बताओ कौन है? बोले ऐसा कुछ है कि देखो महाभागवत जहाँ भी देखे उसका अपना इष्ट वस्तु का शरण हो जाता है। प्रभु चालाकी मत करो, बताओ आप कौन है? महापूजन होता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्व स्फुर तार इष्ट देव मूर्ति। समझा मेरा बात? चैतन्य चरितामृत में है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, स्थावर जंगम लड़की लड़का बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी देखे, कुछ भी देखे लेकिन उसको देखता नहीं। क्या देखता है? भले देखता है ठाकुर जी का मूर्ति। जैसे उद्धव जी दुर्योधन दुष्टों का सामने आए तो उसको तो दिखाई पड़ा भगवान अंदर में तो भगवान ही दिखाई पड़ा और क्या है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्व स्फुर तार इष्ट देव मूर्ति। समझो क्या बात है। भागवत में तो यहां तक बताया, ये देखो अगर सपच है, नीचा खानदान में पैदा हुआ है फिर भी वो ऊंचा है अगर भगवान का नाम लेता है, यही तो विचार है ना। भागवत का विचार क्या है? सपच तोपि गरियान जो जीवभाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम। कौन बताया? भागवत में ही है ना, भगवान बताया। सपच दो पी, सपच होने से भी वो गरियान है, सपच होने से भी वो गरियान है, बड़ा ऊंचा है। जो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम, जिसका जिह्वा में भगवान आपका नाम हर वक्त उच्चारित होते रहते हैं। समझा मेरा बात? सपच तो पी गरियान जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम। किसको हम नीचा बोले? जो भगवान स्मृति विहीन है वही तो नीचा है। चाहे जितना भी पैसा वाला है, चाहे दिखने में सुंदर है सुंदरी है, चाहे जितना भी पैसा है तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचा ही है।
वो तो सबसे नीचा है, जिसका जीवा में भगवान का, जिसका अंदर में भगवत का स्मृति नहीं है। ऐसा विचार है तो जो श्लोक हमने बताए कि यही वो तो रिजिता सर्गो येषाम साम्य स्थितांग मना, ये बात तो समझ में आया आपको जरूर। जो ये जगत में रहते हुए जिसका समदर्शन हो गया उसके लिए क्या बचा है, माया बोल के कुछ है हो सकता? यही वो तो रिजिता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना, वो तो जय कर लिया, मन तो सम अवस्था में है और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि तिष्ठित, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म वस्तु कभी दोष नहीं पकड़ते। मेरा बात समझा, यही बात समझ में। कोई व्यक्ति आज से 30 साल पहले कम से कम लगता है भूल गया, एक व्यक्ति मेरे को प्रश्न किया था, जब महाराज गंगा में तो मछली है ये है वो तो गंदगी है, गंगा पानी पूजा का लिए हमारे, देखो ये ब्रह्म वस्तु है, रूप गोस्वामी पाद इसका बारे में बताया, गंगा में कुछ भी रहे ये दोष दर्शन करना उचित नहीं है। और पुंडरिक विद्यानिधि जी ने इसीलिए रात का टाइम पे गंगा को दंडवत करने जाते थे, क्योंकि दिन का टाइम में जाए किसी बदमाश ने फेंक दिया, कुत्ता मर गया फेंक दिया पानी में, छागल मर गया, गोरू मर गया, और मछली तो सब खाते रहते। इसे मनुसंगीता में बताया गया मत्स्यभोजी सर्वभोजी है, मत्स्यभोजी जो है वो सर्वभोजी, सब खा लिया, कुत्ता गोरू सब खा लिया। तो ये पानी में पांव चलते हैं मैला, पुंडरी विद्यानिधि रात का टाइम पे जाके गंगा जी को ढोंक लगाते थे दंडवत, बस दिन को देखे उसका कुछ दर्शन हो गया तो दर्शन में खोटा रह जाए, नहीं दर्शन रात को। अब पुंडरिक विद्यानिधि जो है इतना सुंदर अनोखा विचार है, जो ठाकुर जी को पुंडरिक विद्यानिधि जी का एक सालग्राम था दामोदर साल, वो सोने निकालता था, अब कहाँ गायब हो गया कौन जाने, सोने निकालता था हर रोज दामोदर शिला। कोई आदमी दावी करता है उल्टा डांगम, हमारा कलकत्ता में बेलगेशिया में एक मठ है गौरिया मठ, वो बोलता है हमारा ये शिला है, तो हमको डाउट हो रहा है वो शिला, बोले आप सोना निकलना बंद है, बंद हो गया, ये तो महिमा था। पुंडरिक विद्यानिधि जो है, पुंडरिक विद्यानिधि अर्चन करने जब बैठते थे, अर्चन करने बैठने का समय एक लोटा गंगा पानी पी लेते थे। अरे महाराज ये तो निषेध है, अर्चन का पहले तो एक बूंद पानी भी पीना नहीं। अरे निषेध तो है तो ठीक ही है, लेकिन इसका विचार तो देखो, पुंडरिक विद्यानिधि जी का क्या विचार है तो देखो, ओ, कितना ऊंचा विचार है। ये तो जनरल विचार ही है, जो पानी पी के खाना पी के खाना खा के पानी पी के अर्चन में बैठे ये उचित नहीं, ये तो स्वाभाविक विचार है। नीतिश हमारा जो विधि निषेध है इसमें, क्या पुंडरिक विद्यानिधि विधि निषेध का अंदर है क्या? पुंडरिक विद्यानिधि को भी आप बंधन में डालना चाहते हो, जेल में, क्या बात है? ये तो सबका ऊपर है, भगवान का पार्षद है और पुंडरिक विद्यानिधि का विचार है जे एक लोटा पानी पी के बैठते थे, किस लिए? हम पवित्र होने के लिए, हम सालग्राम दामोदर को स्पर्श करने का पवित्र नहीं है, एक लोटा ब्रह्म वस्तु पान कर ले हृदय हमारा अंदर में जाए तो बस हो गया पवित्र हो जाए, एक लोटा पानी पी के फिर अर्चन में बैठे। अब बचाओ भेद बुद्धि आपका है, और वो तो ऊंचा चला, कितना ऊंचा उसका स्थिति है। ब्रह्म वस्तु जो है हर वक्त पवित्र है,
ये आदमी मेरे को प्रश्न किया, हमारा गंगा में मछली है ये, वो तो पवित्र कैसे हो सकता हमारे सब, हम पागल छागल हो तुम। निर्दोष, ये श्लोक बताया था मैंने, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म वस्तु में दोष नहीं स्पर्श करता, ब्रह्म वस्तु दोष नहीं पकड़ता, ब्रह्म वस्तु में कोई दोष नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मो तस्मात ब्रह्मणि तिष्ठितः, अगर समदर्शन हो गया इसका लिए तो ये जगत में ही जय प्राप्त हो गया, माया जय कर लिया, और ये वस्तु जरूर, ये व्यक्ति जरूर तस्मात ब्रह्म, तस्मात इसीलिए वो जरूर ब्रह्मणि तिष्ठितः, इसका स्थिति ब्रह्म में है, ये तो लाजवाब विचार, जरूर ये व्यक्ति ब्रह्म में ही उसका स्थिति है, ब्रह्म में स्थिति है, और कहां, और कहां। ये तो जिसका मन सम अवस्था में पहुंच गया, जिसका मन सम अवस्था में पहुंच गया, सर्व विषय में वैषम्य रहित समदर्शन प्राप्त हुआ, समदर्शन को प्राप्त किया, ये लोगों का लिए तो यह लोक में, यह जगत में रहती हुई भी, ये तो यह जगत में रहती, ये जगत में रहती हुई भी जन्म मरण मान अपमान शीत उष्णो सब संसार को अतिक्रम कर लिया, सारे संसार को अतिक्रम करके चला गया, ये तो इसका स्थिति तो ब्रह्म में ही है, क्योंकि ब्रह्म वस्तु सम वस्तु है, निर्दोष है, से समदर्शी ये जो पुरुष का व्यक्ति का स्थिति क्या कहाँ होनी चाहिए, मतलब ब्रह्म में ही है, ब्रह्म में ही है, कहाँ है, ब्रह्म में ही है, और क्या है। यही वो तो ऋजीत सर्गो जैसा स्थान में स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित ते जना ब्रह्मणि स्थित, अतः ये सब व्यक्ति जो है ब्रह्म में ही उसका स्थिति है, दूसरा जगह नहीं। और इसका लक्षण क्या है महाराज, इसका लक्षण के बारे में बताया गया 20 नंबर श्लोक के, जो इसका लक्षण देख के पता चलेगा आपका, कभी अगर कोई डोनेशन पोनेशन देने रुपया पैसा, वो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, हैं, कोई रिएक्शन नहीं है इसके अंदर, क्या होगा, क्योंकि सम अवस्था में है, और ठीक है जड़ जगत में तो लगेगा ही है? लेकिन इसका इसका लिए कोई अट्रैक्शन में कुछ नहीं है किसी वस्तु में। संतों का यही लक्षण है, संतों का यही लक्षण है, जगत का किसी वस्तु व्यक्ति पैसा रुपया जो मिल जाए किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई वो चाहता है कि कोई काबिल आदमी आ जाए, कोई सा ऐसा काबिल आदमी हो जाए आ जाए उसका ऊपर सब दे दे, सब जेला संभाल, चोरी नहीं करना संभाल, भजन कर, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। जो सब व्यक्ति बड़ा घराने से आया, हमारा प्रभुपाद भक्त विनोद ठाकुर और हमारा केशव गोस्वामी महाराज सब बड़े घराने का है, ऊंचा खानदान का, इतना ऊंचा खानदान, ये पैसा रुपया सब देख के आया है, कितना प्रतिशत कितना पैसा सब देख के आया, श्रीधर महाराज क्या ऊंचा सगा है, ऊंचा स्थिति है, केशव केशव जमींदार का लड़का बहुत ऊंचा खानदान, ये सब पैसा क्या करे। और जो लोग पैसा देख के नहीं आए, कभी पैसा इनकम भी नहीं किया, रोजगार नहीं किया, बस इधर आके गुरु वैष्णव का बहुत पैसा देखा, बहुत मालामाल हो गया मैं, हैं, इसलिए पोपात भी कभी कभी वंचना करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, कुछ पैसा लेके बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ये पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा है आप रख लो ये पैसा। असली बात तो ये है, प्रभुपाद के अंदर में पता है, प्रभुपाद जानते थे ये जो है पैसा के लिए इसका अट्रैक्शन है, थोड़ा बहुत पैसा इधर, ए पैसा को थोड़ा संभाल के रखो, तो आपका पास ही रखो, आपका पास रखो, पैसा दे देते थे, ये वंचना है। गुरु वैष्णव अगर पीटे मारे गाली दे हैं सब छीन ले तभी उसका कृपा है, तभी उसका असली कृपा है, कृपा मांगता है सब कपट,
कोई कृपा नहीं चाहता, बेकार की बात है। ये श्लोक में बताया, न प्रहिष्यत प्रियम प्राप्पो, न उद्दीजत प्राप्पो चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसंग मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कैसा सुंदर, देखो, न प्रहिष्यत प्रियम प्राप्पो, अनुकूल वस्तु प्राप्त हुआ, अरे आज अच्छा हुआ, आज रसमलाई आ गया मठ में, अरे अच्छा है। एक दफे वृंदावन में, बहुत दिन पहले का बात है, 18 साल होगा, याद नहीं, बहुत दिन पहले, श्री चैतन्य गौरी मठ, मेरा ही मठ है वृंदावन मठ में, तीर्थ महाराज जी का आदेश, वहां रहो, वहां रह के हरि कथा कीर्तन, और शिला माधव गोसाई महाराज के समाधि में दंडवत करके बस बस आसन में जाके बैठे तो लगता है कि मैं दारू पी लिया। परम पूज्य माधव गोसाई महाराज को दंडवत किया और गोविंद जी को दंडवत किया, बस आसन में बैठ लिया तो लगता है कि मेरा नशा हो गया और बोलना शुरू कर दिया ठाकुर जी का इच्छा। एक दफे देखा मठ में पौष महीना में बड़ा चल रहा है, पीठा पीठा मालपुआ सब बन रहा है, हमने देखा ब्रह्मचारियों में थोड़ा चंचल है बाप, हरि कथा में थोड़ा मन नहीं है कम, अब पीठा बना बन रहा है, रात को खाएगा। अब हमने हरि कथा में ही जब ये न है, नेक्स्ट डे जब हरि कथा बोला सुबह में, कुछ ऐसा बात बोला वो सब शर्मिंदा हो गया, सब शर्मिंदा हो गया। बद्ध जीव ऐसा ही है, कोई प्रिय वस्तु मिला बड़ा आनंद उछाल पड़ता है, एंजॉयमेंट का वस्तु है, हैं? हमने बताया नेक्स्ट डे हरि कथा में, देखो आप जो जो व्यक्ति मालपुआ पीठा का ये सब पाया ना, उसका पेनाल्टी देना पड़ा ना, वो समझ गया कौन सी बात मैं बोल रहा हूं, शर्मिंदा हो गया, मैं क्या बोलना चाहता है वो समझ गया, ये जो पीठा पना खाया ना रात को, उसका पेनाल्टी तो दे दिया ना, है अच्छा हुआ ना, बस शर्मिंदा हो गया, सारे पेनाल्टी देना पड़ेगा, भोग बुद्धि है तो पेनाल्टी जरूर देना पड़े, बिना पेनाल्टी भगवान छोड़ेगा नहीं। ये माया देवी चल रहा है, जो भी है, जो प्रहिष्यत प्रियम प्राप्पो, नो नो उद्विजेत प्राप्पो चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसंग मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो प्रिय प्राप्त हो, प्रिय वस्तु प्राप्ति होने का बाद भी कुछ है नहीं रिएक्शन, कोई रिएक्शन है ही नहीं, ऐसा मापिक जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तत्वविद व्यक्ति जो है, जिसका स्थिति ब्रह्म में है, जैसा पहले श्लोक में बताया, तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित, ते जना ब्रह्मणि स्थित, ऐसा मापिक जो है, ऐसा मापिक जो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाले हैं, सर्व प्रकार से मद मोह रहित व्यक्ति है, कोई मोह नहीं है, मद अहंकार नहीं, कुछ नहीं है, ब्रह्म में ही इसका अवस्थान है, ब्रह्म भाव में विभावित हो, वो किसी मालपुआ पीठा का चिंता में नहीं है, बद्ध जीव को माफी, ब्रह्म भाव में से वो खाना बोल के जो चीज है वो अगर नहीं रहता तो वैष्णव लोग बच जाता, अरे मरे मेरा समय बच जाता, समय बच जाता, सचमुच कसम से बोल रहा हूं, अगर खाना बोल के कुछ नहीं होता चीज तो समय बच जाता बेकार में, हैं बैठो रोटी चिवाने आ आ करके समय गया आधा घंटा तक बेकार, क्या करे, शरीर को रक्षा करना है, ऐसा जो है ब्रह्म भाव में विभावित तो है, इसके लिए प्रिय वस्तु कुछ नहीं है, अप्रिय वस्तु ये दोनों बराबर है, प्रिय वस्तु आ गया आनंद में उछल पड़ा ऐसा भी नहीं,
अप्रिय वस्तु हुआ और गुस्सा हो गया, जैसा पोपा जी काल हम चर्चा करेंगे, पोपा जी कहते थे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन तो जिम्मे में रहेगा, कल चर्चा करेंगे। अप्रिय वस्तु अप्रिय व्यक्ति आ गया तो गुस्सा आ गया, बहुत बेकार, क्योंकि ये जो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति है वो शुभाशुभ प्रिया प्रिय शीत उष्ण मान अपमान इससे पड़े हैं, इसका ऊपर है। ऐसे तो भगवान 11वां स्कंद में उद्धव जी को बताया, सुंदर बात बताया, ओ जो ये शब्द व्यक्ति जो है ये सबके ऊपर, सबसे ऊपर, ये कोई बंधन में नहीं है। ज्ञानोनिष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वा अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रमम त्यक्ता चरित अविधि गोचर दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तुम उसको नियम में बंधना चाहते हो, नियम तो तुम्हारा लिए है, नियम उसको क्या करे हैं, नियम उसके लिए रुकावट है। जैसे गोपिया के लिए नियम बनने चाहो ये करोगे तो रुकावट है, ये उद्धव जी ने बताया ना हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पादी जी ने बताया, ये जितना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हारा जेब में रखो, तुम अगर ये परमांशु व्यक्ति को शरीर में इसमें मथे पे चढ़ाना चाहो तो उल्टा उल्टा फल मिलेगा, ये उल्टा फल मिलेगा, ये उसका लिए नियम नहीं, उसका तो हर वक्त 24 घंटा भजन में है, तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए रुकावट है, तुम्हारा लिए अनुकूल हो अनुकूल बना देगा तो उसका लिए तो ये क्या है हैं? ताबद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी ताबद नतिक्ति भवेत ताबत चापि विशृंखलतम ते न लोक वेद स्थिति ही। कौन सी श्लोक हमने चर्चा किया, ताबद ब्रह्म कथा ताबद मुक्ति पदवी ताबद नतिक्ति भवेत ताबत चापि विशृंखलतम ते न लोक वेद स्थिति ही। ये जो तुम्हारा समाज संसार का रूल्स एंड रेगुलेशन है जितना सारी, ये उस परमांश व्यक्ति के लिए रुकावट है, ये तो अनर्गल निरवच्छिन्न भजन में है, तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बिगड़ सकता है उसको, उसको नुकसान है। ज्यादा नियम बोलने जाओ तो गोपिया बोलेंगे दो तर नियम छोड़ नियम, हमारा कृष्ण है ये सेवा सबसे बड़ा है, तो ये सब नियम का तोड़ मोड़ करके चले जाए, काहे का नियम है तोड़ मोड़ के चला जाए, तर नियम समाज संसार का जितना बंधन है नियम है जितना रेगुलेशन है जितना सारे प्रिंसिपल है तोड़ मोड़ के चले आप कृष्ण सेवा करो। ये सब क्या करें हम, जंजाल है ये सब, तुम्हारा नियम जो है मेरे लिए जंजाल है, गोपियों के लिए क्या है, सबका स्थिति एक नहीं है ये समझ लेना, सबका स्थिति एक नहीं है, अपना अपना स्थिति में रह के भजन करो, ज्यादा खोपड़ी खराब करोगे तो पागल बन जाओ, कुछ नहीं होगा, सब नाश हो जाएगा, सत्यनाश। सो ये बात को विचार कर लेना, न प्रहिष्यत प्रियम प्राप्त नोद्विजेत प्राप्त चाप्रियम, स्थिर बुद्धि रसंग मूढ़ो ब्रह्ममित ब्रह्मणि स्थित। आई बात समझ में, बहुत विचार करके अंदर में इसको धारण करना, बहुत विचार करके अपना जीवन जिंदगी में जब तक अप्लाई करने का कोशिश नहीं करोगे नहीं करोगी तब तक कोई फल नहीं। ये सुनते रह जाओ, सुनते सुनते अपना दिल को पवित्र बनाओ, सुनते सुनते अपना जिंदगी में प्रयोग करो अप्लाई करो, क्या ये उस बात सुन रहा है, क्या हमारा जिंदगी में उसका अप्लाई करके देखे तू कहाँ तक मैंने समझा, अगर समझा या अगर अनुभव में उतारा है तो अप्लाई करने में भी कोई कष्ट तो होनी नहीं चाहिए। क्यों कष्ट हो रहा है कि क्योंकि एप्लीकेशन में नहीं आया,
सुनते रह गए। चलो सुनते ही रहो। और 21 नंबर श्लोक यहां बताया, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा बिंदति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम मश्नुते। ये जो हमने पाठ किया मूल का, ये जो जिसका मिनिमम संस्कृत ज्ञान है ये समझ जाए। देखो देखो ध्यान से सुनो, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा बिंदति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। माने क्या हुआ, यह बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा मतलब टेंजिबल सुख, टेंजिबल फैसिलिटीज अर्थात मात्रा स्पर्शो जो सुख है, यह जगत में ये मेटेरियल जगत में जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो वस्तु है, एंजॉय करने वाला जो वस्तु है, ये वस्तु में जिसका मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, डिटेस्टेड आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो, कहाँ जाए कृष्ण हरी ये चिंता बिछालो, रोज कीर्तन करते जाम कीर्तन में रोज हम तो देख के हंसते थे, तित्त महाराज जी बैठा है और हम लोग सब चारों ओर बैठा है कीर्तन करते, और कीर्तन या कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते खोल को एकदम एकदम फटा दे, फिर भी अनुभव में नहीं आया, वो गाने गड़े में खूब गाता है, अरे आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो कहाँ जाए किसने। अरे महाराज तुम इतना झूठा कह रहे हो क्या, तुम्हारा संसार अच्छा नहीं लगा। बोले हाँ अच्छा तो लगता है, तो क्यों बता रहे हो। कीर्तन करने का टाइम में भूत एकदम जोर से एकदम गा दिया, अनुभव में होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, नरोत्तम ठाकुर जी ने बहुत कीर्तन लिखा, अनुभव करने का आना चाहिए। कीर्तन करने का मतलब कि ये नहीं कि आदमी को नचाने के लिए, कीर्तन करने का मतलब अनुभव में उतारना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, आर्ज संसार मोर नहीं लगे भालो, कहाँ जाए कृष्ण हरी ये चिंता भी शालो, बड़ा चिंता हो रहा है कहाँ जाए कृष्ण को, कृष्ण कहाँ मिले, संसार डिटेस्टेड हो गया। ये तो भक्तिविनोद ठाकुर का स्थिति है, ये क्या तुम्हारा स्थिति है। अनुभव के द्वारा कीर्तन करे तो उसमें फल जरूर मिलने वाला है। तीर्थ महाराज भी ये कहते थे, गुरु जी भी ये कहते थे, जो कीर्तन है उसको चेंज नहीं करना, उसमें जो सुर है, उसमें जो ताल है, उसमें जो कुछ भी है, पंक्चुएशन है, बस बिल्कुल उसी मुताबिक गाना चाहिए, क्योंकि वो कीर्तन में उसका शक्ति है, अनुभव है। भक्तिविनोद ठाकुर का कीर्तन करो, नरोत्तम ठाकुर की अनुभव के सारा शक्ति जरूर मिलेगी। गुरु जी बोलते थे इसमें शक्ति है, चेंज नहीं करना। कोई आगे व्यक्ति बोले गुरु जी ऐसा बताए हैं, अभागा केशव कहे, इसको चेंज करने का क्या हिम्मत है हमारा, वो तो अपना दैन्यों को स्थापन किया, उसको ऐसे ही रखना चाहिए, उसका बाद नीचे टिप्पणी लिखना ये गुरु जी दैन्यों करके बोला है इसलिए माने तो हमारा लिए बोला है, ये कह सकते हो। अगर नरोत्तम ठाकुर बोले नरोत्तम ठाकुर कीर्तन कर रहा है, रो रो के कीर्तन कर रहा है, नरोत्तम ठाकुर जब कीर्तन कर रहा है ना रो रो के, तो नरोत्तम ठाकुर के कीर्तन क्या है? हम चेंज कर देंगे। महाजन का वाणी चेंज करने का हिम्मत हमारा अंदर में कैसे आया। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कीर्तन का नीचे थोड़ा टिप्पणी लिख दिया कि गुरु जी दैन्य करके ऐसा बताते, ये हमारा लिए बताया, हमको समझने के लिए। नरोत्तम दास कहनो नागेलो मोरिया, अरे ये नरोत्तम क्यों नहीं मर गया। नरोत्तम ठाकुर दुखी होके ऐसा बोल रहा है, अप्राकृत दुखी, क्या हम बोले नरोत्तम ठाकुर बदमाश है मर जाए तो अच्छा है, खुद ही बोला था नरोत्तम ठाकुर, खुद ही बोला था हैं। नरोत्तम दास कहनो नागेलो मोरिया, ये तो महाजन व्यक्ति कहेगा ना,
ये अप्राकृत दैन्य है तो हमको समझना चाहिए, इसको कैसे चेंज करे, हमारा हिम्मत कैसे हुआ, ये तो लिख दिया टिप्पणी में, लिख सकता है नीचे ये इतना दैन्य करके लिखा है। क्या गौर किशोर बाबाजी महाराज बोल दिया, मैं मरने का बाद मेरा पैर पे रस्सी बांध के पूरा धाम के कुत्ता को जैसे मरने का बाद ले जाता है आदमी, ऐसा ऐसा घिसके ले जाना और गंगा में फेंक देना। और ये बदमाश साहजिया जो है नवद्वीप का, ये सब अरे बाबा जी महाराज कह के गया मरने का बाद रस्सी बांध के, अरे किसका हिम्मत है, पोपत बोला किसका हिम्मत है, लगाओ रस्सी देखे। ये महापुरुष अप्राकृत महापुरुष अपना दैन्य का मारे ऐसा बोला, क्या इसका माने है ये करे, छागल उल्लू का पट्टा इसको रस्सी बांध के जाए। जो गौर किशोर बाबा जी महाराज को गौर किशोर स्वयं गोदी में चढ़ाना चाहता है, गौर किशोर को जो स्वयं गौर किशोर अपना गोदी में चढ़ाना चाहता है, जो हरिदास ठाकुर को साक्षात गौरंग महाप्रभु गोदी में चढ़ाना चाहता है, गोदी में लेके चल रहा है, उसको आप पैर में रस्सी बांध के कुत्ता जैसे ले जाओगे, हैं? इतना बदमाश कहां से आएगा, बुद्धि कहां से शुद्धि हो, सेवा करे तब ना, गुरु वैष्णव के पास आए तब ना शुद्धि हो, कहां से शुद्धि हो, कहां से शुद्धि होगा। विचार में बदल, विचार में इतना सारे दोष है लोगों का, पतित है बदमाश है फिर भी बाहर में दिखाता है हम सन्यास है, हम बाबा है बाबा जी है, अरे कहां का तुम हो, कहां का हो बताओ बदमाश। तो ये जो बात, ये जो श्लोक हमने पाठ किया, जरा सा ध्यान दे के सुनना, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो वस्तु है इसमें बिल्कुल इसका लगन नहीं है, मन नहीं, मठ उब गया, इसका जो मन है जड़ जगत का सुख भोग आदि मेटेरियल एंजॉयमेंट से इससे उब गया ऊपर, वो भला क्या करे। बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम, ऐसा माफिक जो महात्मा है जिसका जड़ जगत का किसी शोक भोग में सुख भोग में बिल्कुल मन लगन नहीं है, ये जानते हो आपको पता है ये अंतरात्मा में कितना सुख भोग एंजॉय करते हैं। अंतरात्मा में बिंदती आत्मनि जत सुखम, जैसा मापिक हैबॉक एंजॉयमेंट आत्मसुख आत्मानंदों को प्राप्त करता है, आपको पता है, आपको पता नहीं है ना, इसीलिए बाहरी दृष्टि का जो भोग है उसी में आप उलझ जाते हो, छलंग लगाते हो आग में, आपको पता ही नहीं है। ये महापुरुष लोग है वो लोग का आत्मा में कितना आनंद मिलता है, इसीलिए तो बाहरी वस्तु का जो दर्शन है इसका जो एंजॉयमेंट इसमें इसको दिल नहीं लगता, दिल उब गया। बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा बिंदती आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा फर्श, बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा बिंदती आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में जो सुख जिसको मिलता है स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य विषय में बाह्य विषय में अनासक्त ब्रह्म में स्थित है समाहित चित्त पुरुष आत्मा में जो आनंद है उसी को लाभ करता है। इसका आनंद कैसा है, कैसा बराबर है, बोले अक्षय आनंद, अनएंडिंग ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, अप्राकृत सुखानुभूति, वे तो अक्षय आनंद को उपभोग करते हैं और बाहरी आदमी का कोई पता ही नहीं, वो सोचता है कि महाराज पागल हो गया, महाराज का क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, वो आनंद में डूबे हुए हैं, तुम विषय में डूबे हुए हो, वो आनंद में डूबे हुए हैं। प्रहलाद महाराज विष्णु पुराण में हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान
जा पृथिर अविवेकानम जा पृथि अविवेकानम विशेषु अनुपायिनी। इसका इसका चर्चा काल करेंगे, आज समय नहीं हो पाएगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नृसिंहदेव के सामने, अरे विषय के ऊपर कितना आकर्षण है ये विषयी व्यक्ति का, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ विषय का हटा लो हम मर जाएंगे, जैसे कि विषय और आत्मा एकाकार हो गया। एक कहानी याद हो गया, कोई व्यक्ति डलाउसी स्क्वायर उधर शेयर मार्केट से गुजर रहा था, वो शेयर से उसका कुछ मतलब नहीं है और देखा चिल्ला चिल्ली हो रहा है, वो क्या क्या बोलते हैं कि कौन जाने, हमको तो पता नहीं चलता क्या क्या बोलते हैं। हम भी उस जगह से बहुत बार गया पूर्व समय रहते समय, और क्या क्या चिल्लाते रहते हैं कुत्ता का माफी, और कोई हंसते हैं कोई रोते हैं, क्या बात है। कोई आदमी उसका एक्सपीरियंस बता रहा है, उसको शेयर के बारे में आइडिया है, पर देखो अचानक सेठ जी का पास फोन आया। क्या फोन आया? उसका 5 करोड़ का नुकसान हो गया शेयर मार्केट में, तुरंत हाथ पे लो गया, फोन पकड़ गई, सुना बस हार्ट फेल होके गिर गया। अरे क्या हुआ, हल्ला मच गया। अरे सेठ जी हार्ट फेल हो, और जो 5 करोड़ का नुकसान हो गया शेयर मार्केट बस हो गया। अर्थात विषयी आदमी जो है विषय का साथ अपने को एकाकार कर दिया, अपने को एकाकार कर दिया। लेकिन हमारा अम्बरीश महाराज इसका विचार देखो, परीक्षित महाराज का विचार देखो, युधिष्ठिर महाराज का विचार देखो, पिथु महाराज का विचार देखो, क्या सुंदर विचार। तमाम विषय में रहते हुए भी हमारा कुछ नहीं, हिम्मत है हिम्मत ऐसा सोचने की हिम्मत है। जिसका हिम्मत नहीं है वो ये बात को उच्चारण ना करे, हिम्मत है तो इसका जरूर उच्चारण करे। ऐसा ही है, विषय का साथ एकाकार हो गया, एकात्म प्राप्त हो गया हमको, एकात्म वननेस, हमको वननेस प्राप्ति होना चाहिए भगवान का साथ, वननेस। हमारा भक्ति प्रमोदपुरी की सीमा गुरु जी का टू मच वननेस विथ सुप्रीम लॉर्ड। प्रैक्टिकली इट वॉज सीन, दिखा गया ये भक्ति प्रमोदपुरी की सीमा का दिल भगवान का साथ एकदम वननेस। भगवान को ठंडा लगे, गुरु जी को ठंडा लगे ऐसा भगवान को तो ठंडा वरना कुछ नहीं लगता, फिर भी सेवा ले रहा है भगवान तो ठंडा वरना तो इच्छा करके लेते हैं। भगवान को भूख लगा तो गुरु जी को भूख लगा, भगवान को सालगाम को गिरिराज महाराज को जला दिया, गुरु जी का हार्ट हृदय जल रहा है अंदर, अरे क्या हो रहा है जल रहा है मेरा, क्या हुआ? बाद में देखा गिरिराज जल गया। इसको बोलता है टू मच वननेस, एकाकार हो गया। संत महात्मा का हृदय भगवान और तत्व वस्तु के साथ इतना एकाकार हो गया तो उसको काट के फेंक के अब जुदा नहीं हो सकता, जुदा नहीं कर सकोगे। ये तत्व वस्तु है भगवत तत्व विज्ञान, भगवान का अनुभव ये संत महात्मा हृदय में इतना समा गया, इतना वननेस हो गया, तो काटने जाओ तो मर जाएगा। भगवान को काट के तत्व वस्तु को काट के फेंक के अलग नहीं कर सकता, एक हो गया। इसका जो स्वरूप है वैष्णव का, गुरु जी का, प्रभुपाद का, ये केशव को सुना, ये जो स्वरूप है ये वाणी स्वरूप है। जो गुरु वैष्णव का वाणी स्वरूप का अनुभव करे 100% उसका तरक्की हुआ है भजन में। जब तक वाणी स्वरूप का पता ना चले तब तो साधारण भक्त है, ऐसे कहने वाला शिष्य है, असली शिष्य नहीं है। जिसका हृदय में गुरु जी का वाणी स्वरूप का पता चले, गुप्त स्वरूप का पता चले, वही तो असली शिष्य है। चाहे दुनिया को पता नहीं है, दुनिया बोल रहे वो असली शिष्य है, अरे कितना सेवा किया, कौन सेवा किया कौन नहीं किया, बद्ध जीव क्या उसका कोई विचार करने जाएगा क्या?
बहुत सेवा करके भी कुछ भी सेवा नहीं हुआ, बहुत सेवा करके भी, बहुत सेवा करके भी कुछ सेवा नहीं हुआ। अब बाहर इसमें कुछ सेवा नहीं किया, बहुत सेवा हो गया, बहुत सेवा हो गया, एनाफ, इतना प्रसन्न हो गया गुरुजी। गुरुजी क्या जड़ जगत का व्यक्ति है, लबड़ी मलाई खिला दो को प्रसन्न हो जाए, हा आ जा तेरे को कृपा कर दे, हैं पागल हैं? हमने क्या दिया गुरु के, लड्डू पेड़ा दिया था हैं? कभी कभी किताब देते थे, भागवत देते थे, और रसिक महाजनों का दो एक किताब देते थे गुरु जी। गुरु जी प्रसन्न हो जाते थे। जो भी है, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम, सुखम अक्षयम अश्नुते, अश्नुते माने प्राप्त होता है, अश्नुते मतलब खाना भी एंजॉय करना सब माने होता है, अश्नामी भोजन करना। और दूसरा श्लोक उच्चारण करके हम छोड़ेंगे, काल चर्चा करेंगे इस विषय में, पूरा खुल्ला खुल्ला चर्चा करेंगे काल, और ओ काल तो नहीं हो पाएगा, बाद में नेक्स्ट सैटरडे हो सकता, अभी तो बीच में कोई टाइम ही है नहीं। जो भी है चलो कोई देख लेना, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जे ही संस्पर्श सजा होगा दुख जन एवते आद्यंत बंत कौंतेयो नौ तेषु रमते बोधा। जे ही संस्पर्श सजा होगा, टेंजेबल सुख जो है मेटेरियल इंद्रिया के द्वारा जो भोगने वाला जो वस्तु है, ये भोगने का जो सामान है, जे ही संस्पर्श सजा होगा ये दुख की कारण बनेगा अंतिम में। दुख से जन एवते, इसमें दुख ही दुख पैदा होगा, क्योंकि ये जो सुख है, सुख तो जरूर है, सुख नहीं है तो आदमी क्यों चल रहा है, सुख नहीं है एंजॉयमेंट नहीं है तो क्यों चल रहा है सैटरडे क्लब में नंगा होके नाचने के लिए दारू पी के। ये जेंटलमैन है, दिन का साइन में, दिन का टाइम में जेंटलमैन है, रात का टाइम में जानवर है, हैं? रात का टाइम में जानवर है, हैं? और दिन का टाइम में जेंटलमैन है, सैटरडे में नंगा होके नाचने के लिए जा रहा है दारू पी के, ऐसा ही है। जे ही संस्पर्श सजा होगा दुख जन एवते, ये दुख की कारण बनेगा जो मेटेरियल सुख है। बिल्कुल भोगने का कोशिश मत करो, करोगे तो मरोगे। जे ही संस्पर्श सजा होगा दुख जन एवते आदंत बंतो कौंतेयो नौतेषु रमते बुधा। दोज आर रियल इंटेलिजेंट, जो वास्तव बुद्धिमान है, जो वास्तव बुद्धिमान है, विचार वाले हैं, वो कभी इस जड़ जगत में भोग का जो समान है इसमें दौड़ता नहीं, भोगने के लिए दौड़ता नहीं, क्योंकि ये जो एंजॉयमेंट है इसका शुरुआत है और अंत है। ये एंजॉयमेंट शुरू हुआ रात को 9 बजे, दारू पीना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, और 12 बजे आनंद खत्म। ये भी कोई आनंद होता है? आनंद मर गया, आनंद का मृत्यु हुआ, यही आनंद है। इसी में तमाम जगत उलझे हुए हैं, किस किस को समझाने जाए, किस किस को समझाने जाए, उल्टा रास्ता भी चल रहे हो। आद्यंतो बंतो कौंतेयो नौतेषु रमते बुधा। ये एंजॉयमेंट का अर्जुन, ये एंजॉयमेंट का शुरुआत है और इसका समाप्त तो भी है। तो इसी एंजॉयमेंट, इसी एंजॉयमेंट के बारे में बुद्धिमान व्यक्ति ये बिल्कुल बिल्कुल व्यस्त नहीं होते, व्यस्त नहीं होते, बहुत विचार करके रहना, नहीं तो मुश्किल हो जाए। जिंदगी बड़ा छोटा है, एक एक साधन जीवन में जरा सा भी गलती कर दोगे तो ये गलती को मेकअप करने के लिए टाइम नहीं मिलेगी। जसो प्रसन्न भगवान गुण मैत्रादिवेश तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इवो स्वयं। वांछा कल्पतरुष्य के बासिंदे भवच
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।